गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, आप लोगों को फिर से स्वागत है संगीत पटेल ब्लॉग में। तो कल का जितना काम हुआ आप लोगों को दिखाने का कोशिश किए, आज भी घसाई का काम चालू होगा। जो आज काम हम लोग किचन में करेंगे, जो आप लोग कल दिखाए दिए थे कि सीढ़ी का काम कंप्लीट हो चुका था, आज हम लोग किचन का काम करेंगे। और चलिए आप लोग दिखाते हैं किचन में। और अभी हमको आज भी लगता है लेट हो गया साइट पर जाने के लिए, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है गाइस, तो हम भी आज लेट से उठे। तो चलिए देखते हैं साइट पर जाके, मिलते हैं आप लोगों से। जी गाइस, आप लोग अभी देख पा रहे हैं हम लोग साइट पर पहुंच चुके हैं और आज के काम इस किचन से स्टार्ट होगा, क्योंकि थोड़ा सा नीचे का काम घसाई बाकी है, जैसे आप लोग अभी देख रहे हैं नीचे का काम घसाई कम करेंगे और उसके बाद थोड़ा मोड़ा ऊपर का काम बचा हुआ जो आज घसाई है, आज किचन में हम लोग करेंगे। हम देख सकते हैं चेंज करके हम लोग रेडी हो चुके हैं काम करने के लिए। आज देखते हैं किचन कम्प्लीट हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो ब्लॉग में तो बोले अब लोग ब्लॉग मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बैनर में दबा लीजिए, संगीत पटेल ब्लॉग का आप लोगों को सबसे पहले मिलेगा। देखते हैं आज हम लोग काम करते हैं किचन से, उसके बाद कागज़ वगैरह बनाते हैं, उसके बाद जोगाड़ बनाते हैं, उसके बाद काम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को कल वीडियो में दिखा चुके थे कि सीढ़ी का काम कम्प्लीट हो चुका था, जैसे कि देख सकते हैं आज थोड़ा सा यहाँ सीढ़ी का काम में थोड़ा सा यहाँ पुट्टी बचा हुआ घसने के लिए, और यहाँ तो थोड़ा सा बाकी है, जो पहले ऊपर का घसाई कंप्लीट कर चुके कर देंगे तो उसके बाद ही वहाँ का पुट्टी का काम कंप्लीट करेंगे। आज किचन के इतना सा काम है जो कि यह है, उसके बाद दो दिन घसाई चलेगा, उसके बाद कलर है स्टार्ट होगा गाइस, आप लोगों को देखने को मिलेगा बढ़िया बढ़िया वीडियो जो कि आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगा। आप लोग ब्लॉग में तक बने रहते और शुरू से अंत तक आप लोग देखिएगा बिना स्पेस करते हुए, क्योंकि आप लोग ब्लॉग बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर काम आप लोग जहाँ तक होगा आप लोगों को कुछ सीखने को भी मिल जाएगा काम के वजह से, पुट्टी कैसे होता है, क्या क्या करना पड़ता है काम में, और आप लोगों को थोड़ा थोड़ा नॉलेज भी मिल जाएगा गाइस। तो ब्लॉग में तक बने रहिए, उसके बाद हम लोग काम पर लगते हैं, उसके बाद आप लोग दिखाते हैं। गाइस हम लोग बताना चाहूँगा हम लोग घसाई करने का तरीका आप लोगों को बताते हैं सिंपल सा। आप लोग जैसे जैसे हाथ मारिएगा तो आप लोगों का हाथ स्लिप नहीं करेगा, देख सकते हैं स्लिप करना निकलता है, जो यहाँ हम लोग घसते हैं उसके बाद यहाँ देखिए स्लिप नहीं करता है गाइस, और जहाँ आप लोग घस दें वहाँ देखिए हाथ एकदम पूरा स्लिपिंग करता है। और हम लोग इस लाइट को क्यों इस्तेमाल करते हैं उसका वजह आप लोगों को बताते हैं। जो ब्लेड आप लोग चलाते हैं जब पट्टी डबल को करते हैं तो ये किस तरह का देगा होता है, इस रेखा को हम लोग देखने के लिए चेक करने के लिए इस लाइट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और इसी तरह का हम लोग पुट्टी घसाई करते हैं। और आप लोग बेहतर तरीका बताते हैं, जब भी दीवार में हम लोग घसेगा तो राउंड राउंड घुमाइएगा गोल गोल, जैसे इस तरह के ऐसे घुमाइएगा आप लोग घसाई करेगा तो एक नंबर होगा, बिना लाइटों का आप लोग भी चेक कीजिएगा तो उस तरह का घसेगा आप लोगों को बढ़िया लगेगा। और जो आप लोग ऐसे ऐसे घसते हैं लंबा लंबे इस कारण होता है, कारण कि कभी भी आप लोग जो इस तरह से दबा गया वहाँ पर घस जाता है, इस कारण आप लोग घसना पड़ेगा। जब भी दीवार में घसीगा तो गोल गोल घसीएगा राउंड राउंड, जैसे आप लोग बताते हैं ऐसे घसे आप लोग बेहतर होगा। और कभी भी गलती से भी कागज में घसना है तो कभी भी नहीं घसीएगा, इस कारण होता है दीवार में रेगा ज़्यादा फल होता है, जैसे आप लोग देख सकते हैं कलर दिख रहा होगा आप लोग। और यहाँ जैसे है गोल गोल तो आप लोग देख सकते हैं रेगा भी तली हुई भी नहीं है रेगा, इस कारण होता है कि गोल गोल घसेगा ऐसे से तो आप लोगों को बेस्ट लगेगा, घसाई का बेस्ट तरीका हम लोग बताते हैं। और आप लोग भी काम करवाइएगा तो जब भी चेक कीजिएगा तो लाइट को ऐसे लेकर मत चेक कीजिएगा, जब भी दीवार में चेकिंग करना है लाइट से जब भी बनाएगा दीवार में बल्ब सटाइएगा इस तरह का चेक हो जाएगा एक समय से, जे जहाँ भी देख रहेगा दीवार में लहर भी रहेगा हल्का फुल्का, जैसे आप लोग जिसे देखते हैं लहर आता है आप लोग इस तरीका से चेक कीजिएगा। और दीवार में आप लोग एक आँख बंद करके आप लोग चेक कीजिएगा ना, क्योंकि आप लोग दिख जाएगा दीवार में कभी भी लहर नहीं आएगा, इस तरह का आप लोग काम करवाइएगा आप लोगों का काम बेस्ट हो। और आप लोग अभी घसते हैं उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं फिनिश।
जैसे गाइस आप लोग अभी देख पा रहे हैं, घसाई करके निकल चुके हैं अभी किचन से। थोड़ा मोड़ा काम किचन का और बचा हुआ है, और घसाई में बहुत मेहनत लगता है गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरे हालत से। पूरे लेटा लेते हैं हम लोग 8 घंटा ऐसे ही, जब घसाई स्टार्ट करते थे हम लोग। और जो पेंट के लाइन में है वो उसको पता होगा कि घसाई में कितना मेहनत लगता है। और अभी जैसे कि देख ही रहे हैं पसीना पूरे, और इस केमिकल्स पूरा देख भी रिएक्शन होता है गाइस। जो पहली बार आते हैं घसने के लिए उससे इस पाउडर से रिएक्शन हो जाता है चमड़ी में, जो कि बिंदा बिंदा बूंदी हो जाता है गाइस। तो जो कर रहा है उसका एक्सपीरियंस बना रहता है, तो उसका चमड़ी सह सकता है इस केमिकल को, सह लेता है। बहुत बहुत कत्ते के शरीर में सूट नहीं कर पाते हैं ये केमिकल, और मेरे शरीर में भी हम लोग बहुत पहले से हम लोग ये सब काम में कर रहे हैं, तो हमारा शरीर हम लोगों को रिएक्शन नहीं होता है, लेकिन अधिकतर का हो जाता है रिएक्शन। और अभी जैसे देख सकते हैं गाइस तो मेरा घसाई में कितना बुरा हाल है, और थोड़ा मोड़ा किचन का काम बचा हुआ है, और अभी चलते हैं किचन का घसते हैं थोड़ा मोड़ा, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं कंप्लीट रूम किचन का। और अभी देख सकते हैं हम लोग 8 घंटा ऐसे ही रहते हैं जब घसाई काम स्टार्ट होता है। जैसे गाइस आप लोग भी देख पा रहे हैं, एक ये खटाल और एक ये खटाल, एक ये खटाल बाकी है घसने के लिए। और सीलिंग का काम कंप्लीट कर दिया गाइस, घसाई का जो बचा हुआ था सीलिंग का और दीवार ये लगभग का काम कंप्लीट हो चुका है, और बाकी बचा है किचन का तो यही है, और ये 3 खटाल जो आप लोग देख रहे हैं। और हो सकता है तो कल सीढ़ी घर में हम लोग घसने के लिए जाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि आज जहां भी तक होगा आज किचन का काम कंप्लीट कर देंगे जो बचा हुआ है, कि आज कल इसको मौका नहीं मिलना पड़ेगा कि इसमें घसने के लिए। तो आज कोशिश करेंगे हम लोग कि घसाई का आज काम किचन का कंप्लीट कर दें, और तब हम लोग कल इस सीढ़ी घर, जैसे आप लोग देख सकते हैं इस सीढ़ी घर हम लोग घसेंगे कल।